अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ द सेकेंड डेमो क्लास बाय एमएसएस प्रीमियम लर्निंग बाय मेडिकोस ट्रेनिंग स्किल्स एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस कोलिनोमाइमेटिक। तो ये एएनएस का सेकेंड चैप्टर है। एएनएस का फर्स्ट चैप्टर हमारी फर्स्ट डेमो क्लास में हमने कवर कर दिया विच वॉज इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जिसको मैंने तब भी उस क्लास में भी बताया था, जिसको इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे ग्रिप आ गई तो अगले चार चैप्टर उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो जिसने वो लेक्चर सुना हुआ है और जिसको उस पर ग्रिप है तो आज का लेक्चर उसके लिए बहुत इजी होगा। उसको मेनली ड्रग्स के नेम करना पड़ेंगे और जो मैं स्पेसिफिक बातें बताऊंगा। तो हम इसको किस तरह कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, देन वी विल गो फॉर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर। साथ साथ ही मैं एमसीक्यूज और वाइवा में जो चीज़ें पूछी जाती है और एससीक्यू में जो पूछी जाती है वो बताता जाऊंगा। जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा एंड पे आएंगे एससीक्यू क्वेश्चंस जो कि प्रॉफ में आए हुए हैं, फिर हम उन एससीक्यूज क्वेश्चन को देखेंगे तो उससे आप लोग अपना असेस कर सकते हैं कि पिछले जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके आप लोग किस तरह एससीक्यू लिख सकते हैं। और मैं लिखना बताऊंगा कि एससीक्यू में क्या क्या लिखना जरूरी है। तो इसमें यानी आपके एससीक्यू एमसीक्यूज वाइवा सब कुछ ही कवर होगा। सो दिस इज द सेकेंड डेमो क्लास। तो आपको पहले भी लास्ट में भी बताया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फार्माकोलॉजी सेशन फॉर द 40 डेज, जिसमें हम ऑलमोस्ट क्लिनिकल फार्मा जो पार्ट है यानी जनरल फार्मा के अलावा जो फार्मा है वो सारी फार्मा इंशाल्लाह कवर करवाएंगे एक्सेप्ट CNS, बिकॉज CNS में 10 चैप्टर है, जस्ट 13 मार्क्स का पेपर आना है। अगर वो हम करते तो ये सेशन 50 to 60 डेज का हो जाता जो कि काफ़ी लंबा चलता तो फायदा नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू वेटेज जो चैप्टर्स हम कवर करवाएंगे वो 80%+ ऑफ योर थ्योरी पेपर और 90%+ ऑफ योर वाइवा पोर्शन कवर कर देगा। और इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू प्रिपेयर यू फॉर द डिस्टिंक्शन एंड दिस इज अ पेड सेशन। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड प्रॉपरली फ्रॉम द 12th of April 2021। दिस इज द सेकेंड डेमो क्लास। If you want to join this session, you can contact on this number to get the payment details. तो मैं आप लोगों का ज़्यादा time ज़ाया नहीं करूँगा और मैं start करूँगा इस chapter को। अच्छा, ये chapter है कोलिनोमाइमेटिक। Last chapter introduction to the autonomic nervous system में मैंने बताया था कोलिनोमाइमेटिक जो आपके पास कोलिनर्जिक receptors होते हैं। कोलिनर्जिक receptor कौन से receptors होते हैं जिनके ऊपर एसिटाइल कोलीन आके अटैच हो सकती है, उनको कह देंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर, एक होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, और इनको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम वो ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो कि या तो मस्क्यूरिनिक से लगती है जाके या निकोटिनिक रिसेप्टर पे लगती है या ये दोनों पे लगती है। तो इन ड्रग्स को हम कोलिनोमाइमेटिक क्यों कहते हैं? आपको पता है माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री करना, उसके जैसी हरकत करना, और कोलिनो का मतलब ये इंडिकेट कर रहा होता है एसिटाइल कोलीन को, यानी जो ड्रग एसिटाइल कोलीन की तरह का एक्शन रखती है वो कोलिनो माइमेटिक हो गया। सही हो गया। अब इधर सबसे बड़ा सवाल आप लोग के जहन में आएगा कि एसिटाइल कोलीन ही हम एज अ ड्रग यूज क्यों नहीं करते, ये अभी इतनी ड्रग्स पढ़नी है हमने, ये हम ड्रग्स क्यों यूज कर रहे हैं, एसिटाइल कोलीन को क्यों नहीं यूज कर रहे? बिकॉज जो एसिटाइल कोलीन होता है उसकी हाफ लाइफ होती है बहुत थोड़ी। इसकी हाफ लाइफ और एसिटाइल कोलीन की होती है बहुत शॉर्ट। जब इसकी हाफ लाइफ छोटी होगी, अगर हम इसको बंदे को देंगे तो ये तो थोड़ी देर में ही ब्लड में खत्म हो जाएगी और फायदा ही नहीं होगा, हमें इफेक्ट ही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये ड्रग्स बनाई जाती हैं। और एसिटाइल कोलीन की हाफ लाइफ शॉर्ट क्यों होती है? बिकॉज ब्लड में हमारे पास होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम एसिटाइल कोलीन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड में लेवल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और उसकी हाफ लाइफ छोटी है। तो जो ये ड्रग्स बनाई गई हैं ये वो ड्रग्स हैं जो एसिटाइल कोलीन की तरह का एक्शन करती है, बट एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज यूजुअली इन पे एक्ट नहीं करता। लेकिन किस पे कितना एक्ट करता है वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी चैप्टर आपने फार्माकोलॉजी में करना है तो आपको उसकी सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको उसकी क्लासिफिकेशन आती है, आपको उसकी ड्रग का पता है कि ड्रग्स किस तरह क्लासीफाई हुई है, तो आप आगे बहुत ईजिली उस चीज़ को कवर कर सकते हो। सो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन।
तो इनको हमने सबसे पहले नाम दिया कोलिनोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, बिकॉज जो एसिटाइल कोलीन है इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करेंगे। दे आर फर्दर डिवाइडेड इन टू सब क्लासेस, वन इज डायरेक्ट एक्टिंग, द अदर इज इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब क्या मतलब हुआ कि डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग का? ये देखिए, एक ड्रग, ये रिसेप्टर है, मैंने बताया था मस्कुरिनिक होते हैं, निकोटिनिक होते हैं। अगर ड्रग आके डायरेक्टली इस रिसेप्टर के ऊपर लग जाती है तो ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, सही है ना, कि ये आके इस रिसेप्टर पे लग। फिर आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज समझाई थी कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये इनर्वेटेड होते हैं, यूजली मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स आर इनर्वेटेड, यानी इनको किसी नर्व ने इनर्वेट किया होता है, ये इनर्वेटेड होते हैं। तो जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती है उसका क्या काम होता है? वो आती है, ये जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ने रिलीज करनी होती है एसिटाइल कोलीन फ्रॉम द कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं वो प्री साइनेप्टिक फाइबर्स क्या रिलीज करेंगे जाके, जो यहाँ पे हमारे पास होता है, यहां से वो रिलीज करते थे एसिटाइल कोलीन। अब एसिटाइल कोलीन उन्होंने रिलीज करनी थी। अब ऐसी ड्रग्स जो के एसिटाइल कोलीन का लेवल ज्यादा करवा दे, वो किस तरह ज्यादा करवा सकती है वो मैं बताता हूँ। कोई ऐसी ड्रग जो एसिटाइल कोलीन का लेवल या न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल ज्यादा करवा दे, वो इनडायरेक्ट एक्टिंग है। यानी ये ड्रग जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है, ये रिसेप्टर पे खुद जाके नहीं लग रही, इटसेल्फ ये ड्रग जाके रिसेप्टर पे नहीं लग रही, बल्कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर रही है। वो किस तरह कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल, ये नर्व है और ये नर्व है, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है, यहाँ से एसिटाइल कोलीन रिलीज होना है। एसिटाइल कोलीन जब यहाँ पे रिलीज होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम का काम होता है कि वो एसिटाइल कोलीन को ब्रेक कर देता है। यानी यहाँ पे एसिटाइल कोलीन रिलीज हुई, एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम उसके लेवल को कम कर देता है, उसको तोड़ के। अगर हम इस एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? एसिटाइल कोलीन टूटेगी नहीं और एसिटाइल कोलीन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, और एसिटाइल कोलीन का लेवल जब ज्यादा होगा तो ये जाके यहाँ पे ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है वो सब तरह के रिसेप्टर्स पे एक्ट कर सकती है, यानी जो रिसेप्टर इनर्वेटेड है और जो रिसेप्टर नॉन इनर्वेटेड है, उन दोनों रिसेप्टर्स पे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स काम कर सकती है। बट लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि इनडायरेक्टिंग ड्रग सिर्फ ऐसे रिसेप्टर्स पे काम करेंगी जो कि इनर्वेटेड है, यानी जिसको कोई नर्व सप्लाई आ रही है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस यूज होता है आपके एमसीक्यूज में। जो जगह पे फॉर एग्जाम्पल आप कोई इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग दे देते हो और वो ऐसे रिसेप्टर पे को हमने एक्टिवेट करना चाहते हैं जो इनर्वेटेड नहीं है, तो इनडायरेक्टिंग ड्रग का कोई काम ही नहीं होगा, वो काम कर ही नहीं पाएगी, उसका कोई फंक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा। सर सबसे पहले तो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन याद करनी है। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। वन इज बोथ रिसेप्टर, यानी मस्कुरिनिक पे भी और निकोटीनिक पे भी। नेक्स्ट इज मस्कुरिनिक स्पेसिफिक, यानी इस जस्ट मस्कुरिनिक रिसेप्टर पे लगेगी, और निकोटीनिक ये जस्ट निकोटीनिक पे लगेगी। तो अब सोचेंगे कि कौन सी ड्रग बेहतर होती है। हमेशा याद रखना है कि जो रिसेप्टर स्पेसिफिक ड्रग होती है, यानी जो ड्रग एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके लगती है, हमेशा वो ड्रग बेहतर होती है एज कंपेयर टू द ड्रग्स जो के नॉन स्पेसिफिक होती है। उसकी रीजन, हमें जो स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम हमारे पास ड्रग रिसेप्टर स्पेसिफिक होगी तो उसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे, और अगर कोई ऐसी ड्रग होगी जिसका कोई रिसेप्टर स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी रिसेप्टर पे जाके लग जाती है, तो वो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए। तो इसलिए हमेशा वो ड्रग्स अच्छी होती है जो कि रिसेप्टर स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें मस्कुरिनिक इफेक्ट चाहिए तो हम ये ड्रग्स यूज कर लेंगे, हमें निकोटिनिक इफेक्ट चाहिए तो ये यूज कर लेंगे। अगर हम ये यूज करते हैं और हमें इफेक्ट सिर्फ मस्कुरिनिक चाहिए, तो जो निकोटिनिक इफेक्ट आएगा वो क्या बन जाएगा? वो इसका एडवर्स इफेक्ट बन जाएगा।
यानी अगर बोथ एक्टिंग ड्रग हम उस कंडीशन में यूज के लिए यूज कर रहे हैं जो कि मस्कुलिनिक को ट्रीट करे, मस्कुलिनिक हम ट्रीट करना चाहते हैं, निकोटिनिक उसकी सही थी, तो क्या करेगी ये बोथ पे एक्ट करेगी, मस्कुलिनिक को सही करेगी और जो निकोटिनिक इफेक्ट होगी वो एडवर्स हो जाएंगे। लाइक ये मैं जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस वजह से हमारे पास जो रिसेप्टर स्पेसिफिक ड्रग होती है वो हमेशा अच्छी होती है। बोथ रिसेप्टर वाली ड्रग होती है एसिटाइलकोलीन, एसिटाइलकोलीन एज अ ड्रग नहीं यूज होती, ये जस्ट एक तरह से प्रोटोटाइप कह लो, यूज नहीं होती एसिटाइलकोलीन एज अ ड्रग, याद रखना, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ छोटी होती है, लेकिन हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलीन ही है क्योंकि हमारी बॉडी तो प्रोड्यूस कर रही है नर्व टर्मिनल पे, उधर एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज उस जगह से जब बाहर निकलता है वहां पे एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज एंजाइम पड़ा होता है जो कि उसको खा जाता है। कार्बाकोल एक ऐसी ड्रग है जो कि मस्कुलिनिक भी है और निकोटिनिक भी है। मस्कुलिनिक ये वाली ड्रग्स हैं, आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं, इनके नाम अच्छे से याद करें, इसके बाद इनके फंक्शंस आएंगे कि ये यूज क्यों होती है। नेक्स्ट है निकोटिनिक, इनके नेम याद करें। सेम इज द केस विद इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, ये हमारे पास तीन तरह से डिवाइड है। वन इज शॉर्ट एक्टिंग एड्रोफोनियम, यानी ये थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करती है, यानी इसकी हाफ लाइफ छोटी है। ड्रग्स की हाफ लाइफ बड़ी जरूरी होती है, आपको पता होनी चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी ड्रग है जिसकी हाफ लाइफ 6 घंटे है, तो आपने वो ड्रग पूरा दिन बॉडी में रखनी है, तो अगर उसकी हाफ लाइफ 6 घंटे है तो आप उस पेशेंट को क्या दोगे, वो 4 टाइम दे दोगे दिन में। एक ड्रग है उसकी हाफ लाइफ 8 घंटे, आप 3 टाइम दे दोगे। अगर उसकी हाफ लाइफ 12 घंटे, आप 2 टाइम दे दोगे। लेकिन ये मैं जनरल बता रहा हूँ, यानी हाफ लाइफ अगर आपको पता होगी तो ही आप वो ड्रग यूज करोगे ना, इसलिए हाफ लाइफ का पता होना, आइडिया होना जरूरी होता है, कुछ ना कुछ आइडिया हो। एग्जैक्ट हाफ लाइफ आपको इतनी ड्रग्स ही नहीं याद रहेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है उनकी आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट है या ये मीडियम है, शॉर्ट है तो क्यों यूज हो सकती है, लॉन्ग एक्टिंग है तो क्यों यूज हो सकती है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग और ये है लॉन्ग एक्टिंग। अब ये क्लासिफिकेशन आप लोग का याद करना काम है, अब मेरा काम है कि आप लोग को इन क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स है उनके यूजेस बताऊं, उनके एडवर्स इफेक्ट्स बताऊं, और ये कंपाइल किए गए हैं डिफरेंट बुक्स से, लाइक इसमें यूज हुई हैं आपकी कैपलन भी यूज हुई है, मिनिकेटजन भी यूज हुई है, फर्स्ट एड भी यूज हुई है जो आप USMLE की होती है, उसके अलावा लिपिन कोड से भी पॉइंट्स यूज हुए हैं। तो इन स्लाइड्स में जो जो चीजें हैं वो काफी सोर्सेज से वेरीफाइड है और एक ही जगह पे कंपाइल किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक ड्रग्स। मस्कुलिनिक ड्रग्स कौन सी होंगी जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे लगेंगी, तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी होगी जो कि जाके रिसेप्टर पे डायरेक्टली लग जाएगी। सबसे है बेथेनिकोल, बेथेनिकोल ओनली मस्कुलिनिक होती है और ये मेनली एक्ट करती है M3 रिसेप्टर पे। M3 रिसेप्टर ओवरऑल जो होती है ना मस्कुलिनिक ड्रग्स, ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन इस ड्रग का जो मेन काम है ना कि M3 पे जाके 2 बड़े इंपॉर्टेंट एक्शन परफॉर्म करती है, तो जो हम यूज करते हैं इसकी इंडिकेशन के लिए वो अभी मैं बताता हूँ। तो M3 रिसेप्टर आपको बताया था पेरिफेरी में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया था। इस ड्रग का क्या काम है, ये ड्रग किधर किधर यूज हो सकती है, एक तो ये यूरिनरी रिटेंशन को रिमूव करने के लिए यूज हो सकती है, यानी किसी को यूरिनेशन हो ही नहीं रही तो ये यूरिनरी रिटेंशन वाले पेशेंट्स में यूज होती है, एंड ऑल्सो एक्ट ऑन GIT, ये GIT के में भी यूज होती है। इनकी इंडिकेशंस क्या है, यानी किस कंडीशन में यूज होती है, आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा था एटॉनिक ब्लेडर, ब्लेडर में टोन नहीं है, तो क्या होगा, ये ड्रग जाएगी जाके मस्कुलिनिक रिसेप्टर जो ब्लेडर में है उसमें लग जाएगी। जब उस रिसेप्टर पे लगेगी तो कॉन्ट्रेक्शन करवाएगी। आप जिन्होंने लास्ट चैप्टर पढ़ लिया है उसमें बताया होगा कि जो M3 रिसेप्टर ब्लेडर में है वो डिट्रूजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, तो डिट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो एटोनी होती है यानी एक तरह से उसमें कोई टोन नहीं होती, तो टोन प्रोड्यूस होगी, तो यूरिनेशन की अर्ज प्रोड्यूस होगी। और बाउल एटोनी, किसी बंदे का ऑपरेशन होता है तो एक तरह से वो उसका वो जो ऑर्गन होता है ना वो शॉक की स्टेट में चल जाता है। सेकंड ईयर में आप लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी का बेबी हुआ है या किसी का एब्डोमेन का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी जो ईलियस होता है वहां पे थोड़ी देर हो जाता है पैरालिटिक ईलियस, उसका जो आइलियम होता है जो उसकी
इंटेस्टाइन होती है वो अपनी पेरिस्टाल्सिस थोड़ी देर के लिए उनकी रुक जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। तो ये ड्रग्स यूज होंगी बाउल एटोनी के लिए भी, इस तरह की कंडीशन में ये ड्रग यूज हो सकती है। सही हो गया, फॉर एग्जांपल किसी का ऑपरेशन हुआ है, अब उसकी इंटेस्टाइन फ्लैसिड है, तो ये ड्रग यूज होंगी तो वो उसकी बाउल एटोनी को खत्म करेगी। ये ड्रग एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस से हाइड्रोलाइज नहीं होती। आपको बताया था कि एसिटाइलकोलीन को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस, लेकिन वो इस पे एक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ज्यादा। इस वजह से हम ये यूज कर सकते हैं, एसिटाइलकोलीन की हाफ लाइफ थी कम, इसे यूज नहीं कर सकते थे। ये स्टिमुलेट करती है डिट्रूजर मसल, एंड डिट्रूजर मसल आर प्रेजेंट इन द ब्लैडर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूरिनेशन हो जाएगी। तो ये दो इंडिकेशन है बेथेनिकोल के यूज की, तो ये आप लोग को आई होप याद होगी। नेक्स्ट ड्रग इज पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन कहाँ पे एक्शन मेनली करती है, ये देखेंगे। जो ड्रग्स होती है ना, ये कुछ जगहों पे ज्यादा स्पेसिफिक होती है, इनका एक्शन कुछ जगहों पे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये सिंथेटिक है ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये उन रिसेप्टर्स के साथ ज्यादा मैच कर रहा होता है, और उन रिसेप्टर्स में जाके ज्यादा मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो वहां पे एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करता है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपने जनरल फार्मा में पढ़े हैं कि ड्रग एक्शन के, फॉर एग्जांपल ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस होता है कि नहीं होता, टर्शियरी है कि क्वार्टरनरी है, फिर जो रिसेप्टर के साथ उसकी अफिनिटी कितनी है, पार्शियल एगोनिस्ट है या फुल एगोनिस्ट है। तो बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि एक ड्रग की एफिकेसी को बताते हैं, और हमेशा वो ड्रग्स बेहतर होती है जिनकी एफिकेसी बेहतर है, तो हमने ऐसी ड्रग्स यूज करनी होती है जो कि एफिकेसी में बेहतर है। पाइलोकार्पिन ये डायरेक्ट एक्टिंग है, ये जाके रिसेप्टर्स में लगेंगी सीलरी मसल ऑफ आई और स्फिंक्टर प्यूपिलरी। इन दोनों मसल में M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन दोनों प्लेसेस पे, तो यानी ये M3 रिसेप्टर्स पे जाके लगेगी। और इसकी यूजेस क्या है, इसके यूजेस है ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज एंगल ग्लोकोमा, ऑक्युलर हाइपरटेंशन। अब सबसे पहले तो ग्लोकोमा का बताऊंगा, ये दो तरह के ग्लोकोमा होते हैं, एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा, एक होता है क्लोज एंगल। मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ डायग्राम से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया जरूर हो कि ओपन एंगल और क्लोज एंगल में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे ना ये आप देख सकते हैं आपकी आई में बन रहा होता है आयरस और कॉर्निया के दरमियान में एक एंगल। ये एंगल ओपन एंगल ग्लोकोमा में नॉर्मल होता है, यानी ये जो एंगल आप देख सकते हैं, ये मैं रेड से भी दिखा देता हूँ, ये वाला जो एंगल है ये ओपन एंगल ग्लोकोमा में नॉर्मल है। फिर ओपन एंगल ग्लोकोमा में मसला क्या होता है, जो यहाँ पे आपका जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, इसने ड्रेन करना होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रेबिकुलर मेशवर्क से, तो ट्रेबिकुलर मेशवर्क में थोड़ा सा कचरा आ जाता है। जैसे होता है ना कि आपकी कोई ड्रेनेज लाइन है, ये ड्रेनेज होती है एक्वस ह्यूमर की, ड्रेनेज में थोड़ा सा कचरा आ गया तो जो फ्लो है यहाँ का, जो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर था वो स्लो हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इट विल लीड टू ओपन एंगल ग्लोकोमा। क्लोज एंगल ग्लोकोमा में क्या होता है, जो आयरस और जो कॉर्निया होता है इसके दरमियान में एंगल है ये छोटा हो जाता है, एंगल विल डिक्रीज, और जो क्लोज एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है ये ज्यादा डेंजरस और ज्यादा क्विक सिचुएशन होती है, ये जल्दी भी होती है और ये डेंजरस भी ज्यादा होती है। तो क्लोज एंगल ग्लोकोमा के पेशेंट को फौरन ट्रीट करना होता है, और फॉरन में दो ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट ड्रग है पाइलोकार्पिन। जो क्लोज एंगल ग्लोकोमा के पेशेंट आते हैं उसमें पाइलोकार्पिन इज वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस, ये लिख लिखा जाता है। एक तो मैनिटोल होती है जो आप लोग आगे पढ़ोगे अभी, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है, और एक होती है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इमरजेंसी कंडीशन इन द क्लोज एंगल या ओपन एंगल ग्लोकोमा, दोनों ग्लोकोमा में हो जाती है। फिर ऑक्युलर हाइपरटेंशन, ऑक्युलर हाइपरटेंशन में भी की भी एक रीजन होता है कि ये जो एक्वस ह्यूमर है ये ज्यादा हो जाए, जो एक्वस विट्रस ह्यूमर है। अब ये जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारी आई के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इट विल लीड टू द ऑक्युलर हाइपरटेंशन। अब ऑक्युलर हाइपरटेंशन होगी तो किसी बंदे का आंख का ऑपरेशन होना होता है, तो हाइपरटेंशन उसकी आंख में होगी तो ऑपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उसकी ये हाइपरटेंशन, जैसे आपने देखा है ना कि जब भी कोई ऑपरेशन होना होता है तो कहते हैं कि पेशेंट के
शुगर सही हो, पेशेंट का ब्लड प्रेशर सही हो, वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं पहले उसको 2-3 दिन के पहले इसकी ये सारे पैरामीटर स्टेबल हो जाए, क्योंकि ये सारे पैरामीटर अगर नहीं स्टेबल होंगे तो कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इसी तरह आई का जब ऑपरेशन होना होता है तो आई के ऑपरेशन में ये पैरामीटर नॉर्मल करने होते हैं। तो अगर आई में ऑक्युलर हाइपरटेंशन है तो पाइलोकार्पिन इज यूज फॉर इट, और पाइलोकार्पिन आई की हाइपरटेंशन कम करेगी एंड द सर्जन कैन परफॉर्म द ऑपरेशन फिर उसके बाद। लास्ट इंपॉर्टेंट यूज इज चोग्रेन सिंड्रोम। ये क्या सिंड्रोम होता है? इसमें होती है ड्राइनेस। ड्राइनेस क्यों होगी? आपके जो लैक्रिमेशन होती है, आपकी सेलिवेशन होती है, जो स्वेटिंग होती है, ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं इनकी सिक्रीशन हो जाती है डिक्रीज। इनकी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, ये एक ऑटोइम्यून सिचुएशन है। तो इनकी जब सिक्रीशन डिक्रीज होगी तो आप लोग पढ़ चुके हो, पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, जो मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो जो सिक्रीशंस होती हैं डिफरेंट ग्लैंड्स की वो इंक्रीज करते हैं। तो हम पाइलोकार्पिन यूज कर सकते हैं शोग्रेन सिंड्रोम में। ये क्या करेगा? ये सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा और जो ड्राइनेस की सिचुएशन है उसको बेहतर करेगा। तो ये शोग्रेन सिंड्रोम में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस है और ये मैंने बड़ी स्पेसिफिक निकाल के लिखी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को फिंगर टिप्स में आने चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनइंपॉर्टेंट है, और ये हाइड्रोलाइज नहीं होती एसिटाइलकोलीन एस्टर, दैट फैक्ट कैन बी यूज्ड। ये याद रखें, पाइलोकार्पिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इमरजेंसी लोवरिंग ऑफ द प्रेशर ऑफ बोथ ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लोकोमा। आई एम टेलिंग यू दैट क्लोज एंगल ग्लोकोमा इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, सो यू हैव टू मैनेज दैट पेशेंट इमीडिएटली, अदरवाइज दैट पर्सन इज गोइंग टू लॉस हिज आई, उसकी आंख चली जाएगी अगर आपने उसको उसी फॉरन ट्रीट ना किया। ये बड़ा जल्दी से आपने उसको। नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्यूलिनिक ड्रग। इसमें आ जाती है मेथाकोलीन। मेथाकोलीन मेनली किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज होती, ये एक टेस्ट के लिए यूज होती है, यानी ये डायग्नोसिस के लिए यूज होती है। बाकी जो ड्रग्स पड़ी थी हमने देखा तो उसकी क्लिनिकल यूजेस है, तो इसका क्लिनिकल यूज है डायग्नोसिस। और किस चीज का डायग्नोसिस के लिए ये हेल्प करती है? ये हमें अस्थमा के डायग्नोसिस के लिए हेल्प करती है। और जिस इसका जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं चैलेंज टेस्ट। ये टेस्ट में क्या होता है? इसमें मेथाकोलीन बंदे को दी जाती है। मेथाकोलीन इज अ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। ये हमारे पास जो एयर वे में रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, ये इनहेलेशन के थ्रू दी जाती है, उनको स्टिमुलेट करता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। आपको पता है कि अस्थमा के केस में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। अब हमने डिटेक्ट करना है कि ये इस पेशेंट को एस्थमा है कि नहीं, अब हमने कंफर्म करना है, तो मेथाकोलीन यूज करेंगे। मेथाकोलीन की हाफ लाइफ छोटी होती है तो ये मतलब नुकसान नहीं करेगी, तो देख के ही दी जाती है, एमी नहीं दी जाती। तो ये इस टेस्ट में क्या होगा, अगर हमारे पास जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है, वो उस पर्सन की ब्रीदिंग की एबिलिटी को 20% से ज्यादा अफेक्ट करती है, तो इसका मतलब है वो पेशेंट को एस्थमा है या वो सेंसिटिव है टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल या पोलन एक्सेट्रा, तो वो एस्थमेटिक पेशेंट होने के उसके चांसेस हैं। अगर 20% से ज्यादा अफेक्ट करती है, अगर 20% से कम करती है इट मीन्स कोई और मसला है। तो मेथाकोलीन का ये टेस्ट याद रखना है, ये वाइवा में पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नाउ वी आर डन विद डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्यूलिनिक ड्रग, जो कि इंपॉर्टेंट वाली थी, वो हो गई। अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग नॉन स्पेसिफिक ड्रग। यानी नॉन स्पेसिफिक ड्रग का मतलब क्या है? ये मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर पे भी लगेगी या निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी लगेगी। हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था दीज आर ऑफ टू टाइप, एसिटाइलकोलीन एंड कार्बाकोल। एसिटाइलकोलीन का मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, इसका कोई यूज नहीं होता एज अ ड्रग, और ये हाइड्रोलाइज हो जाती है एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज एंजाइम के थ्रू। नेक्स्ट कार्बाकोल, ये मस्क्यूलिनिक भी है, ये निकोटिनिक भी है, लेकिन इसका यूज क्या है? इसका यूज है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती है प्यूपिल को एंड रिलीव करती है इंट्राओकुलर प्रेशर इन द ओपन एंगल ग्लोकोमा। आप लोगों ने पिछला अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर आई में जो प्रेजेंट होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, और जो मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर्स हैं वो अकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सीलियरी मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल में भी प्रेजेंट होते हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। अब ये जो ड्रग है ना, अब देखिए इसके मस्क्यूलिनिक भी है, ये निकोटिनिक भी है, तो अब आपके जहन में एक बात आएगी
कि इसके साइड इफेक्ट्स होने चाहिए दोनों। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, ये है क्वार्टरनरी एमाइन। अब आपको क्वार्टरनरी एमाइन और टर्शरी का एक मैं फर्क बताता हूँ। हमारी बॉडी में है कुछ बैरियर्स, बैरियर्स हैं जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको सब हर कोई क्रॉस नहीं कर सकता, इसको सिर्फ न्यूट्रल चीजें क्रॉस कर सकती हैं। अगर कोई चीज चार्ज्ड है यानी आयोनाइज्ड है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकती। हमारी आई में बैरियर होता है ब्लड ओक्युलर बैरियर, ब्लड आई बैरियर, यानी अगर हम कोई ड्रग है ना आई में डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ड्रॉप है हम आई में डालते हैं, अगर ये ड्रॉप क्वार्टरनरी एमाइन है तो ये जो आई ब्लड बैरियर है, ओक्युलर ब्लड बैरियर है, उसको क्रॉस नहीं करेगा, यानी ये सिर्फ आई तक रहेगा, ये हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं आएगा। दो तरह की आपको पता होनी चाहिए, एक होता है टर्शरी एमाइंस, एक होता है क्वार्टरनरी एमाइंस। टर्शरी एमाइंस होते हैं न्यूट्रल, इट कैन क्लोज डिफरेंट बैरियर, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ब्रेन बैरियर और आई और ओक्युलर ब्लड बैरियर, तो ये टर्शरी एमाइन क्रॉस कर सकते हैं। बट जो क्वार्टरनरी एमाइन होते हैं ये चार्ज होते हैं, ये ऐसे बैरियर्स क्रॉस नहीं कर सकते, तो इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स इसलिए कम होते हैं क्योंकि बैरियर अगर क्रॉस करेंगे ही नहीं तो इनका साइड इफेक्ट ही नहीं होगा। तो जो कार्बाकोल होती है ना, ये हम ऑफ्थेल्मिक यूजेस का करते हैं, इसके कोई ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होते क्योंकि हम इसको टॉपिकली या आई ड्रॉप्स की फॉर्म में करेंगे। जब आई में सिर्फ जाएगी, आई और ब्लड के दरमियान में एक बैरियर है, अब उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसको होना चाहिए था टर्शरी माइंड, लेकिन ये है क्वार्टरनरी माइंड, तो ये वो बैरियर क्रॉस ही नहीं करेगी, तो ये सिर्फ आई की परमिसेस के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट। अगर हम ऐसी कोई ड्रग यूज कर रहे होते जो टर्शरी माइंड होती, तो वो आई में हम डालते हैं वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में जाके वो साइड इफेक्ट करने लग जाती, तो इस वजह से ऐसी ड्रग्स प्रेफर की जाती है। तो ये आप लोगों ने इसका फंक्शन याद कर लेना। चलें नेक्स्ट आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इनडायरेक्ट ड्रग्स आर दोज जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर पे नहीं लगती, बट ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है उसमें चेंजेस लाती है। कैसे चेंजेस लाती है? फॉर एग्जांपल बाय इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलीन। तो इसमें हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। सबसे पहले एड्रोफोनियम, ये आपने पढ़ी थी, अल्कोहल की कैटेगरी में आ रही थी और ये शॉर्ट एक्टिंग थी, तो ये भी हमारे पास किसी का ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होती, ये भी हमारे पास डायग्नोसिस के लिए यूज होती है। ये किस चीज के डायग्नोसिस के लिए यूज होती है? सबसे पहले तो याद रखें ये शॉर्ट एक्टिंग है और ये क्वार्टरनरी एमाइन है, इट मीन्स इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये किस चीज के डायग्नोसिस के लिए यूज होती है? इट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द मायस्थीनिया ग्रेविस। So what is the myasthenia gravis? So as you already studied in the first year that myasthenia gravis is an autoimmune disease in which the antibodies are formed against the receptors. जो आपके receptor होते हैं acetylcholine के, उनके against antibodies बन जाती है। और क्या होता है, वो receptors जो होते हैं वो damage हो जाते हैं, तो वो receptor का level कम हो जाता है। अब एड्रोफोनियम क्या करती है? हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जगह पे 10 रिसेप्टर पड़े थे एसिटाइलकोलीन के, ये चले 3 बना दो, 3 रिसेप्टर थे, तो मायस्थीनिया ग्रेविस हुआ, एक रिसेप्टर फारिग हो गया। अब जो एसिटाइलकोलीन है ना, अगर हम और एसिटाइलकोलीन का इतना लेवल था वो सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड नहीं कर पा रही थी, थोड़े से कर रही थी, इसकी वजह से जो डिफरेंट सिम्टम्स है बंदे के अपीयर हो गए, क्योंकि एसिटाइलकोलीन लेवल प्रॉपर नहीं है, एसिटाइलकोलीन लेवल वहां पे प्रॉपर रिसेप्टर्स पे ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। आप ये ड्रग देते हो इनडायरेक्ट एक्टिंग, एसिटाइलकोलीन लेवल वहां पे होगा ज्यादा। जब एसिटाइलकोलीन लेवल ज्यादा होता है तो मायस्थीनिया ग्रेविस के जो सिम्टम्स होते हैं वो रिलीव होते हैं, और वो कितनी देर रिलीव होते हैं? 5 से 7 मिनट, बहुत ज्यादा देर नहीं, 15 मिनट मैक्सिमम, इतने ही रिलीव होते हैं इतनी देर, उसके बाद वापस सिम्टम्स आ जाते हैं, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ है छोटी, शॉर्ट हाफ लाइफ। लेकिन अगर सिम्टम रिलीव हो जाते हैं पेशेंट के, इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायस्थीनिया ग्रेविस, तो आप उसका फिर ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट के लिए मायस्थीनिया ग्रेविस के नेक्स्ट ये जो ड्रग्स हैं ये यूज हो सकती हैं। तो यानी एड्रोफोनियम इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस का एक स्पेसिफिक नाम होता है, इस टेस्ट को कहते हैं टेंसिलोन टेस्ट। टेंसिलोन टेस्ट में क्या होता है, फॉर दिस टेस्ट एड्रोफोनियम क्लोराइड इज एडमिनिस्टर्ड आईवी, आईवी के आप देंगे,
जो होता है ना मायस्थीनिया ग्रेविस, ये आपके फेशियल मसल्स पे बड़ा प्रोमिनेंट अफेक्ट करता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको नजर आएगा। ये डिप्लोपिया कर देता है, ये देखिए ये पेशेंट है, ये डिप्लोपिया हुआ हुआ है, इसकी आंख नीचे को आई हुई है, तो ये मायस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है। अब आपको कैसे पता कि मायस्थीनिया का है? आपने इसको दे दिया एड्रोफोनियम। जब आपने एड्रोफोनियम दिया तो इसकी ये वाली सिचुएशन उसी टाइम थोड़ी सी बेहतर होगी, जिसकी आंख पूरी खुलने लग गई, इट मीन्स कि इसको मायस्थीनिया ग्रेविस है। तो ये टेंसिलोन टेस्ट आपने किया, और टेंसिलोन टेस्ट के बाद फिर आप उसको प्रॉपर ड्रग दे सकते हो। सो ये डायग्नोसिस के लिए यूज होती है। तो फेशियल मसल वीकनेस एंड टोसिस विल रिजॉल्व अबाउट 30 सेकेंड आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इतनी तेजी से है, यानी आपने उसको ड्रग लगाई 30 सेकेंड के अंदर अंदर उसकी वो सिचुएशन सही होगी। यानी अब आपको पता लग गया हाँ भाई इसको है मायस्थीनिया ग्रेविस, और ये 5 मिनट तक होती है, तो इस वजह से ये ट्रीटमेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट है, केयर मस्ट बी टेकन, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा ड्रग हो, अगर हम एड्रोफोनियम ज्यादा हो, ये कोलिनर्जिक क्राइसिस कर सकती है। मायस्थीनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक, मायस्थीनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस 180 डिग्री का डिफरेंस है। मायस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलीन मतलब एक तरह से एसिटाइलकोलीन का एक्शन कम हुआ होता है, कोलिनर्जिक में एसिटाइलकोलीन का एक्शन ज्यादा हुआ होता है, लेकिन ये दोनों सिचुएशन ना डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रही होती। उसकी रीजन, मायस्थीनिया ग्रेविस में मसल्स जो होते हैं, मैंने आपको दिखाया टोसिस हुआ हुआ है, उसके मसल वीक हुए हुए हैं, ये देखेंगे मसल वीक हुए, ये इसलिए क्योंकि एसिटाइलकोलीन प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा उसका। लेकिन ये कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अब सोचेंगे कोलिनर्जिक में तो एसिटाइलकोलीन, कोलिनर्जिक क्राइसिस में ना एसिटाइलकोलीन ज्यादा हुआ होता है। अब आप लोग सोचेंगे अच्छा ये ज्यादा है फिर तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों ये सिचुएशन होगी। एसिटाइलकोलीन है ज्यादा, ये रिसेप्टर को जाके, जो रिसेप्टर है उसको बार बार एक्टिवेट करेगा। जब रिसेप्टर बार बार एक्टिवेट होता है वो थक जाएगा, रिसेप्टर जब थक जाएगा एट द एंड पैरालिसिस हो जाती है। तो ऐसी ड्रग्स जो जाके मसल्स के रिसेप्टर को बार बार एक्टिवेट करे, या कोई ऐसा लाइगेंड मसल को बार बार एक्टिव करे, तो हमारा मसल थक जाता है एक वक्त के बाद और फिर वो पैरालाइज हो जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं और हाइकिंग करें, बहुत ज्यादा हाइकिंग करें, जब आप बहुत ज्यादा हाइकिंग करते हैं आपको फील होता है कि बस अब मेरे मसल्स में कोई जान नहीं रही, क्योंकि आपका मसल पे बार बार उसको काम करना पड़ रहा है। सेम इज द केस हियर, एसिटाइलकोलीन जब बार बार मसल को एक्टिवेट करेगी तो मसल थक जाएगा, और फिर जब मसल थक जाएगा वो पैरालाइज हो जाएगा। तो मायस्थीनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में आपको फर्क नहीं समझ आ रहा होगा। फिर आप एड्रोफोनियम दोगे, एड्रोफोनियम है वो मायस्थीनिया ग्रेविस को सही कर देगा, लेकिन जो एड्रोफोनियम है वो कोलिनर्जिक क्राइसिस को एग्रवेट कर देगा। तो इससे आपको फर्क पता लगेगा, अगर एग्रवेट होता है तो इसका मतलब है कि इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है, अगर वो वाली सिचुएशन सही हो जाती है इसका मतलब इसको मायस्थीनिया ग्रेविस है। सो इट इज मेनली यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड द मायस्थीनिया ग्रेविस। एंड एट्रोपीन इज द एंटीडोट, एट्रोपीन इज एंटी मस्कुलिनिक, यानी ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ये हम अगले चैप्टर में सही हो गया। तो अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो एसिटाइलकोलीन बार बार लग रही है और एट्रोपीन जाके उसको ब्लॉक कर सकती है। एट्रोपीन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सिर्फ मस्कुलिनिक स्पेसिफिक होती है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे नहीं लगती, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये मसल वाले इफेक्ट्स को नहीं ऑपरेट करती, तो ये सारी चीजें हमने अगले चैप्टर में पढ़नी है। तो ये एट्रोफोनियम हो गया, एट्रोफोनियम का यूज याद रखना है। नेक्स्ट इज नियोस्टिग्मी एंड पाइरिडोस्टिग्मी। नियोस्टिग्मी एंड पाइरिडोस्टिग्मी बोथ आर क्वार्टरनरी अमाइन, क्वार्टरनरी अमाइन है, इट मीन्स इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। किन कंडीशंस में यूज हो सकती है? इट कैन बी यूज इन पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस कब हो सकता है? मैंने बताया ऑपरेशन हुआ है किसी बंदे का, एब्डोमेन का, बेबी पैदा हुआ है, तब भी ये होती है पैरालिटिक इलियस की सिचुएशन, तो तब ये यूज हो सकती है। देखें इसका क्या काम है, ये भी कोलिनोमाइमेटिक है ना, और आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जीआईटी में, ये स्टिमुलेट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। यूरिनरी रिटेंशन हुई है यानी ब्लेडर की एट ऑन हुई है, तब पाइरिडोस्टिग्मी नियोस्टिग्मी यूज हो सकती है। अब ये इन दो सिचुएशन में क्यों यूज हुई है? देखें ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस करेगी और इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो कम होंगे। अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेती तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे, सही हो गया।
तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है उसके लिए भी ये यूज होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करती है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में ये ड्रग्स यूज हो सकती है, और रिवर्सल ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग एनएम ब्लॉकर, ये स्केलेटल मसल रिलैक्सन का चैप्टर आएगा उसमें होगा। नेक्स्ट है फाइजोस्टिकिन, ये मुझसे गलती से लिखो गया क्वार्टरनरी, ये क्वार्टरनरी नहीं होती, ये टर्शरी होती है, ये आप लोग नोट कर लें, ये गलती से मुझसे स्लाइड में लिखो गया, ये टर्शरी माइन होती है। टर्शरी माइन होती है इसका मतलब है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, इट मीन्स इट हैज CNS साइड इफेक्ट, इसके CNS में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब तो ऐसी फाइसोस्टिग्मीन आपने ड्रग दी ब्लड में, अगर आप ये ब्लड में देते हैं तो ये जो आई ओक्युलर ब्लड बैरियर होता है ये उसको क्रॉस कर सकती है, ये ऊपर वाली है ये उन बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन फाइसोस्टिग्मीन क्रॉस कर सकती है। फाइसोस्टिग्मीन इज एन अदर ड्रग विच कैन बी यूज इन ग्लोकोमा, सही है, इसकी इंडिकेशन है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन एट्रोपिन ओवरडोज, एट्रोपिन क्या है, एंटी मस्कुलिनिक, यानी एंटी मस्कुलिनिक इससे ऑपोजिट काम, यानी एंटी कोलिनोमाइमेटिक एक तरह से कह रहे हैं, लेकिन एट्रोपिन एंटी मस्कुलिनिक होती है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जस्ट मस्कुलिनिक रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर सकती है, निकोटिनिक पे नहीं करती। एट्रोपिन जो होती है ये भी टर्शरी होती है, एट्रोपिन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और एट्रोपिन को अगर हमने रिवर्स करना है ओवरडोज को तो हम फाइसोस्टिग्मीन यूज करेंगे, क्योंकि ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, तो फाइसोस्टिग्मीन कैन हेल्प अस टू रिवर्ट द ओवरडोज साइड इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन, तो इस वजह से फाइसोस्टिग्मीन यूज होती है। सो दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखें, ये प्रोफ में पूछी जाती है, ये हमने कर लिया। Important चीज, neostigmine is contraindicated when urinary bladder or intestinal obstruction is present. अगर paralysis present है तो use होगी, लेकिन अगर obstruction present है तो use नहीं होगी। Obstruction से क्या है, कोई ऐसी चीज है वहां पे जो के उसके flow को रोक रही है। अगर आप ये drug दे देते हो तो ये क्या करेगी, ये contractions जो है उनको increase कर देंगी, और आपको पता है कि जो आपके विसराज है ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन से अब इंक्रीज होगी, तो जिस चीज ने ऑब्स्ट्रक्शन की होगी वो वहां पे वॉल्स को डैमेज कर सकती है, वहां पे वॉल को डैमेज करके उसमें होल क्रिएट कर सकती है। अगर तो वहां पे होल क्रिएट हो गया खुदा ना खास्ता, तो आपके जो ब्लैडर होता है, इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल फ्लोरा ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, इतनी सिचुएशंस हो जाएंगी कि आप में सेप्टिक शॉकों के मरने के चांस हो जाएंगे। तो इस वजह से ये देख के देनी होती है, यानी अंधाधुंध फायरिंग से दवाइयां नहीं देते। इसलिए कहते हैं जो अच्छा डॉक्टर होता है वो पहले डायग्नोसिस अच्छा करता है। डायग्नोसिस में उसको फॉर एग्जाम्पल यूरिनेट नहीं कर पा रहा वो, या इसमें भी यही सिचुएशन होगी कि उससे डेफिकेशन नहीं हो रही, यूरिनेशन नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। लेकिन दो तरह की हो सकती है, या पैरालिसिस या ऑब्स्ट्रक्शन। तो पैरालिसिस वाले केस में आप देंगे, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो आपने ये पहले डायग्नोस करना है। फिर अगर आपने डायग्नोस किए बगैर ऐसी दे दी और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो उस बंदे की डेथ हो सकती है। तो ये बात याद रखें, ये नीचे वाला पॉइंट याद रखें, एट्रोफोनियम पाइरिडोस्टिग्मीन नियोस्टिग्मीन ये क्वार्टरनरी माइन है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट क्लोज द ब्लड ब्रेन बैरियर, and the physostigmine is a tertiary amine and it can cross the blood brain barrier. Now these are the drugs, aur ye prof ka mcqs ye bhi hai, acha ye jo piche main bata ke aaya na ye sare prof ke mcqs hai, ye bahut prof mein puchi jati hai cheeze. For example wo atropine overdose ke liye kaun si drug use hoti hai, usme physostigmine aapko pata hona chahiye, is tarah ke kafi questions aa jate hain. Ye is saal ka bhi prof mein question tha, ये जो ड्रग्स है ना डोनेपाजिल, गैलेंटामाइन, रिवास्टिग्मीन एंड टेक्रीन, इसमें से ये तीन यूज होती हैं, ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, ये लिपिड सॉल्युबल है, ये सीएनएस क्रॉस कर सकती है, इट मींस ये टर्शियरी एमाइन होगी। इट इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज दिमाग की होती है, तो अगर ये ड्रग सीएनएस क्रॉस करेंगी तब भी तो ये इसको ट्रीट करेंगी ना, तो अल्जाइमर डिजीज के लिए ये यूज होती है। तो अल्जाइमर डिजीज की इस साल पूछी गई हुई थी ड्रग, तो उसमें से इनमें से एक नेम दिया हुआ था, रिवास्टिग्मीन का आई थिंक नेम दिया हुआ था, तो एक नेम दिया हुआ था, बाकी चार कोई और ड्रग दी हुई थी, तो पूछा था इसमें से अल्जाइमर के लिए कौन सी यूज होती है, तो जिसको तो ये ड्रग्स के नेम आते थे उसको आता होगा आंसर, सो ये आपने याद करना है।
अल्जाइमर डिजीज में कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं जो आपके ब्रेन में कम हो गए होते हैं, आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, हमें कोलिन का एसिटाइलकोलिन का लेवल वहाँ पे मेंटेन करना होता है। इफ़ वी मैनेज टू मेंटेन द लेवल तो वी कैन एलिविएट सम ऑफ द सिम्टम्स एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। ऑर्गेनोफॉस्फेट इनडायरेक्टिंग है लेकिन ये इरिवर्सिबल है, यानी ये जाके किस पे लगते हैं, एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज एंजाइम पे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलीन। ये एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज एंजाइम को कर देते हैं ब्लॉक, एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज एंजाइम ब्लॉक होता है तो एसिटाइलकोलीन का लेवल हो जाता है बहुत ज्यादा, और ये इरिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं। और इरिवर्सिबल ब्लॉक करने का मतलब है कंटिन्यूस इंक्रीज इन एसिटाइलकोलीन लेवल, और एसिटाइलकोलीन का लेवल अगर ज्यादा रहता है तो ये सारे पैरासिम्पथेटिक साइड इफेक्ट्स हमें मिलेंगे। एसिटाइलकोलीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल इन पैरासिम्पथेटिक ना, तो पैरासिम्पथेटिक एक्शंस जो जो हैं वो एग्रवेट हो जाएंगे, वो सारे साइड इफेक्ट बन जाएंगे। तो ओवरडोज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इरिवर्सिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पॉइजनिंग होती है, और ये पॉइजनिंग किस में कॉमन होती है, फार्मर्स में, बिकॉज ऑर्गेनोफॉस्फेट इज यूज इन डिफरेंट इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। जो फार्मर होते हैं ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लगा रहे होते हैं अपनी फसलों को, फॉर एग्जाम्पल हवा चल रही है, हवा फार्मर की तरफ को चल रही है, ये इंसेक्टिसाइड नीचे को कर रहे हैं, वो उड़ के उन पे आके लगी जा रही है, और इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी ये स्किन से एब्जॉर्ब हो जाती है, ये आपकी स्किन, यानी जिन्होंने स्प्रे करनी होती है ना उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव किट्स पहननी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान है, आपके सामने है, यहाँ पे कितनी किट्स पहनते हैं, यहाँ पे तो पीपीई किट्स नहीं पहनते कोविड में। तो क्या होता है, वो स्किन पे लगती है, स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर भाई ये दवाई डाल देती है। सो इट इज लिपिड सॉल्युबल एंड इट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ये यूज हो सकती है जो एकोथायोफेट होती है, ये स्पेसिफिकली अगर ये है ना, ये ग्लोकोमा के लिए यूज हो सकती है, बाकी सारी नहीं, ये बस। बाकी जो है इंसेक्टिसाइड यूज होती है, या नर्व गैस सेरिन, नर्व गैस सेरिन होती है। इसका मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको बिग कैटेगरी में मिलेगा, बट इट इज वेरी हाई यील्ड पॉइंट, वो मैं आगे बताऊंगा, इसके ट्रीटमेंट में आएगा, वो मैंने लिखा नहीं है बट मैं आप लोग को बताऊंगा। ये देखें, ये बड़ी बहुत बहुत अच्छी डायग्राम है, ये देखिए, ये फार्मर है, ये क्या कर रहा है, इंसेक्टिसाइड्स डाल रहा है। अब ये उसको जो कीड़े मकोड़े है वो दुआ दे रहे हैं कि भाई अल्लाह करे या तुम पॉइजन से ही मरो, इसी पॉइजन से तुम भी मरो, ये इस पॉइजन से मारना चाह रहे हैं इनको, इन्होंने बदवा दी उसको, तो इसको बदवा अब लगनी है, इसको हो जाती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अब इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कैसे हुई, एक्सीडेंटल है, ये एक्सीडेंटल है। अब इन्होंने, अब ये ऑर्गेनोफॉस्फेट आ गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट ने एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज को क्या कर दिया है, कत्ल। अब एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज का हो गया कत्ल, जब इसका कत्ल हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे एसिटाइलकोलीन है, अब ये पार्टी कर रहे हैं, ये आई एम सेव, तो एसिटाइलकोलीन लेवल यहाँ पे हो गया ज्यादा। अब एसिटाइलकोलीन इसको बार बार एक्टिवेट करेगी और इस बेचारे का अब काम खत्म, स्टॉप ओवर स्टिमुलेशन ना हो, यानी इसकी इतनी ओवर स्टिमुलेशन होगी कि इसके सारे साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग है थोड़ी सी, तो आप लोग को ये पता नहीं चाहिए। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे और इसकी मैनेजमेंट प्रोफ में आपने पढ़नी है, फोरेंसिक में भी आती है, ये यहाँ पे भी आती है, हर जगह पे आती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट टॉक्सिसिटी ऐसी टॉक्सिसिटी होती है जो फॉरन हो जाए एक तरह से। इसमें एक्सेस मस्क्यूरिनिक और निकोटिनिक दोनों स्टिमुलेशन होगी, यानी इसमें मस्क्यूरिनिक साइड इफेक्ट्स भी मिलेंगे, इसमें निकोटिनिक साइड इफेक्ट्स भी मिलेंगे। मस्क्यूरिनिक साइड इफेक्ट्स कौन से हैं, सबसे पहला साइड इफेक्ट, एक सेकेंड, सबसे पहला साइड इफेक्ट है मस्क्यूरिनिक इफेक्ट, डायरिया। डायरिया यानी उस आपने पढ़ा है कि मस्क्यूरिनिक, जिसने पिछला चैप्टर पढ़ा उसको आता होगा, मस्क्यूरिनिक इफेक्ट जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज करते हैं, और जब पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डेफिकेशन होगी, डेफिकेशन ज्यादा होगी अगर ओवर स्टिमुलेशन होगी तो डायरिया होगा। यूरिनेशन सेम वही, यूरिनेशन इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। मियोसिस, ये आई प्यूपिल साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। ये सारे मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स के इफेक्ट्स हैं, ये जो सारे है ना, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, लैक्रिमेशन, देखें ये जो तीन है सिक्रीशन, आपको पता है कि जो पैरासिम्पेथेटिक होता है वो सिक्रीशन ज्यादा करता है, तो ये भी पैरासिम्पेथेटिक तो माइमेटिक है, तो
तो ये भी ये ज्यादा करेंगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एड्रोफोनियम के केस में बढ़िया, तो ये भी एक तरह से पैरासिम्पेथेटिक है तो ये करेगी। ब्रेडिकार्डिया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बताने लगा हूँ, आपने याद रखना है। बाकी जो हमारे पास होती है ना मस्क्यूलिनिक स्पेसिफिक डायरेक्ट एक्टिंग की पहले सुन लें। जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं उनके दो इफेक्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे, CVS पे, एक हार्ट पे, ये हार्ट है, और ये ब्लड वेसल पे। ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग ब्लड वेसल्स पे जाके लगती है और ब्लड वेसल की करवा देती है वेजोडायलेशन, और ये जाके इस हार्ट पे लगती है और हार्ट में जाके करवा देती है ब्रेडिकार्डिया। पैरासिम्पेथेटिक करवाती है हार्ट का ब्रेडिकार्डिया, इधर से वेजोडायलेशन हुई, इधर से ब्रेडिकार्डिया हुआ। लेकिन जो वेजोडायलेशन होती है, वेजोडायलेशन जब बैरोरिसेप्टर महसूस करते हैं तो हार्ट को सिग्नल जाता है कि ब्लड प्रेशर लो हुआ है, तो बैरोरिसेप्टर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और बैरोरिसेप्टर सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देता है, यानी इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग ओवरडोजेज, यानी अगर हमारे पास कोई कोलिनोमाइमेटिक डायरेक्ट एक्टिंग है उसकी ओवरडोजेज हो जाती है तो हमारे पास आ जाता है टैकीकार्डिया। लेकिन अगर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की ओवरडोजेज हो जाती है, इनडायरेक्टिंग ड्रग्स ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट करेंगे कि नहीं, इस ब्लड वेसल पे कौन से इफेक्ट, इंपॉर्टेंट मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं M3, लेकिन आपको बताया था कि इनडायरेक्टिंग जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है वो ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट नहीं करेगी, तो यानी ब्लड वेसल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनडायरेक्टिंग डायरेक्ट अफेक्टिंग ड्रग सिर्फ हार्ट पे अफेक्ट करेगी, इसलिए इसका ब्रेडिकार्डिया कॉमन है। तो याद रखना इनडायरेक्ट एक्टिंग टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि वेजोडायलेशन होगी वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करती है, तो ये मस्क्यूलिनिक इफेक्ट होगा। नाउ वी मूव टू द निकोटिनिक इफेक्ट्स। सो निकोटिनिक इफेक्ट्स में स्केलेटल मसल्स, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट निकोटिनिक NM टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन योर मसल्स एंड व्हेन इट गेट एक्टिवेटेड तो मसल पैरालिसिस हो सकती है, मसल एक्साइटेशन और CNS स्टिमुलेशन, बिकॉज जो NN टाइप के जो होते हैं हमारे पास वो गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं, और जो डिफरेंट गैंग्लियन इज रिलेटेड टू CNS एज वेल, तो वहां पे इसके इफेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोथ, फोरेंसिक में भी यूज होगा, यहाँ पे आपके फार्माकोलॉजी में भी आता है, बार बार आता है, हम अभी पास पेपर क्वेश्चन जब देखेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले होता है जनरल ट्रीटमेंट, दो तरह के ट्रीटमेंट, जनरल और स्पेसिफिक। सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट क्या है, उस बंदे की हमने एयरवे ABC मेंटेन करनी होती है, उसकी एयरवे यानी उसकी एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, वो सांस ले रहा है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई चीज फंसी ना उसके गले में, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये सबसे पहले जनरल मेजर है। पेशेंट को एक्सपोजर वाली जगह से, जहां से ये एक्सपोजर, फॉर एग्जाम्पल कोई खेत में मिला है, पहले तो उसको खेत से उठा के निकालो बाहर, तो उसको एक्सपोजर साइट से दूर करेंगे। और मैंने जैसे बताया ये स्किन से अब्सॉर्ब हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी स्किन को वॉश करेंगे सोप से, ज्यादातर इसमें क्या होता है कि उस बंदे की ना सोप यूज करके उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से धोया जाता है कि जो उसकी स्किन पे ये लगी हुई है ना ऑर्गेनोफॉस्फेट वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये अब्सॉर्ब हो सकती है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है इफ इंजेस्टेड, अगर उसने खाई हो, ये तो ये वाले जो मैयर्स थे ये थे स्किन, अगर वो अब्सॉर्ब हुई हो इन केस ऑफ फार्मर, अगर वो पी गया हो तो गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, यानी स्टमक वॉश करेंगे। तो दिस इज द जनरल मैयर। नाउ वी मूव टू द स्पेसिफिक मैयर कि कौन सी ड्रग्स को यूज करेंगे। इसमें हम एट्रोपीन यूज करते हैं, एट्रोपीन इज अ मेन एंटीडोट, लेकिन एट्रोपीन सिर्फ है एंटी मस्क्यूलिनिक, यानी एट्रोपीन जो मस्क्यूलिनिक साइड इफेक्ट्स है उनको खत्म कर देगा, लेकिन जो निकोटिनिक साइड इफेक्ट्स है उनको नहीं खत्म करेगा, क्योंकि एट्रोपीन सिर्फ मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर को जाके एंटागोनाइज कर सकता है, निकोटिनिक पे इसकी एक्टिविटी नहीं है। तो हम उसके अलावा एक और चीज यूज करते हैं, प्रेलिडोक्साइन। प्रेलिडोक्साइन क्या होता है, ये रीजनरेट करता है, ये रीजनरेट कर देता है एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेस को। फॉर एग्जाम्पल किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई है ना, तो एट्रोपीन देंगे, ये उसके साइड इफेक्ट्स को रिवर्स करेगा, और जो प्रेलिडोक्सिन है ना, जो एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज के साथ आके ये जुड़ गया हुआ था ऑर्गेनोफॉस्फेट, प्रेलिडोक्सिन उसको अपने साथ जोड़ लेगा और एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज को आजाद करवा देगा। ये एक तरह से जो आप बचपन में खेलते थे ना जेल
पानी गेल कुछ इस तरह का एक गेम होती थी कि वो हाथ आके लगाता था वो बंदा आजाद हो जाता था, और जो दूसरा था सेव गेल नाम था इसका, जो दूसरा बंदा था अगर उसको पकड़ लिया जाए तो वो वहां पे कैद हो जाता था। तो प्रेलिडोक्सिम यही करता है, प्रेलिडोक्सिम जाके एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेस को आजाद कर देता है और खुद अपनी बलि चढ़ा देता है, खुद को ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ एक तरह से बाइंड कर देता है, उसको तोड़वा देता है, यानी प्रेलिडोक्सिम उसकी लड़ाई लड़ता है जाके। तो इस तरह ये दोनों चीजें साइड बाय साइड करके पेशेंट को मैनेज किया जाता है। तो साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन में हमारे पे आएगा रिपीट आईवी बोलस, या आप लोगों ने ये देखना है। एट्रोपिनाइजेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एट्रोपिनाइजेशन में, वैसे मैं चले तो बता देता हूँ, एट्रोपिनाइजेशन में तीन चीजें देखी जाती है। उस बंदे का हार्ट रेट को ऑलमोस्ट 100 तक सेट करना होता है कि आ जाए, क्योंकि इसमें ब्रेडीकार्डिया हो गया होता है, तो हार्ट रेट को किसी तरह 100 तक ला रहे होते हैं। ये प्रोफ में वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा, जो अच्छे होते हैं बच्चे उनसे लाजमी वो सुनते हैं, और अगर आप अच्छा सुना रहे हो खासतौर पे। फिर उसके बाद इसमें जो एक्सिला है उसमें देखा जाता है कि सिक्रीशंस इंक्लूड सिक्रीशंस आना स्टार्ट हो गई है, और जो मियोसिस हुई होती है उसमें मिड्रेसिस देखी जाती है कि मिड्रेसिस स्टार्ट हो रही है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मियोसिस हो गई होती है पॉइजनिंग में, तो मिड्रेसिस से अंदाजा होता है कि ये पेशेंट को एट्रोपिनाइजेशन हो रही है कि नहीं। एट्रोपिनाइजेशन में ये तीन चीजें देखी जाती है, यानी उसका हार्ट रेट 100 तक आ रहा है, अगर आ गया तो इट मीन एट्रोपिनाइजेशन अचीव हो रही है, उसके मिड्रेसिस हो गया तो एट्रोपिनाइजेशन ऑलमोस्ट अचीव हो गया, उसकी जो बॉडी में पसीना आने लग गया, एक्सिला में देखें पसीना आ रहा है, तो इट मीन एट्रोपिनाइजेशन ऑलमोस्ट अचीव हो गया। तो यानी यहाँ पे हम एट्रोपिन देना उसको रोक सकते हैं या हाफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक गैस है ऑर्गेनोफॉस्फेट है, वो भी वो गैस है सेरिन, सेरिन गैस है, और वो सेरिन गैस होती है यूज वॉर गैस कहते हैं उसको, ये होती है जंगों में इस्तेमाल, जो जंग होती है ना उसमें इस्तेमाल होती है। तो जंग के केस में जब इस्तेमाल होती है तो ये क्या करती है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक बंदे ने जंग पे जाना है, आर्मी का बंदा है, तो आपने इसका प्रोफाइल एक्सेस करना है, प्रोफाइल एक्सेस होता है कि उससे प्रिवेंट करवाना है, तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को लगेगा कि ऐसा तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। इसका प्रोफाइल एक्सेस के लिए मैं बताता हूँ, देखें जो है ना ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये है इररिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज एंजाइम। हमने पीछे कुछ ड्रग पढ़ी थी, जैसे पाइरिडोस्टिग्मीन पढ़ी थी, पाइरिडोस्टिग्मीन थी रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज एंजाइम, सही है ना। ऑर्गेनोफॉस्फेट है इरिवर्सिबल, पाइरिडोस्टिग्मीन है रिवर्सिबल, यानी पाइरिडोस्टिग्मीन रिवर्स हो जाएगी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, मतलब कोई एक किसी ने को कोई ड्रग दे दी है तो वो कह, फॉर एग्जांपल आपने घर में किसी को ड्रग दी है, उसका कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आप कहोगे नहीं कोई बात नहीं, इसने एक दिन के बाद इसकी ये साइड इफेक्ट खत्म हो जानेगा जब बॉडी से निकल जाएगी। इसी तरह पाइरिडोस्टिग्मीन है, पाइरिडोस्टिग्मीन रिवर्सेबल है, उसको जब हाफ लाइफ कंप्लीट होनी है उसने बॉडी से निकल जाना है, साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, तो हम उस बंदे को पाइरिडोस्टिग्मीन दे देंगे जो कि जंग पे जा रहा है एज अ प्रोफाइल एक्सेस। पाइरिडोस्टिग्मीन क्या करेगा, जो एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज एंजाइम है पाइरिडोस्टिग्मीन इसके साथ जाके लग जाएगा, पाइरिडोस्टिग्मीन भी इस पे साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन पाइरिडोस्टिग्मीन ने इसको जाके ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन इसने इसको ऑक्यूपाई किया था रिवर्सिबली, यानी ये इफेक्ट्स खुद रिवर्स हो जाएंगे बाद में। अब जब ऑर्गेनोफॉस्फेट आएगा एसिटाइलकोलीन एस्ट्रेज के साथ अटैच होने, तो वहां पे तो पहले ही पाइरिडोस्टिग्मीन ने उसको कवर किया हुआ है, उसके साथ अटैच है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट उसके साथ अटैच नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम पाइरिडोस्टिग्मीन को यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, और अगर कोई बच्चा ये खुद बता देता है तो आई कैन गारंटी उसको टीचर डिस्टिंक्शन दे देगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पाइरिडोस्टिग्मीन और ऑर्गेनोफॉस्फेट का ऑलमोस्ट काम सेम है, तो सेम काम वाली ड्रग हम कैसे प्रोफाइल एक्सेस दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो जहन में ये आता है ना कि काम तो उसका भी वो है, साइड इफेक्ट तो दोनों के सेम आएंगे, तो हम उसको क्यों देंगे, क्योंकि ये रिवर्सेबल है। तो ये आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट बात, लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है उसमें नंबर वन कॉज डेथ का होता है रेस्पिरेटरी फेलियर, और नंबर टू कॉज
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है डेथ का, वो होता है CNS डिप्रेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द UHS पास क्वेश्चंस. तो आप लोग आई होप इन्होंने पूछा हुआ था ऑप्थेल्मिक यूज ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. तो हमने डिफरेंट एगोनिस्ट पढ़े थे जो कि ऑप्थेल्मिक यूज के लिए यूज होते थे. एक पाइलोकार्पिन था. पाइलोकार्पिन हमने कहा था ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लोकोमा के लिए यूज होता है एंड इट इज यूज फॉर द एमरजेंसी सिचुएशन. कार्बाकोल पढ़ा था, हमने कहा था कि ये क्वार्टरनरी माइन है, इट इज एक्टिंग ऑन बोथ मस्कुलिनिक निकोटिनिक रिसेप्टर, बट हम ये टॉपिकली यूज कर लेंगे आई में तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे. एक है फाइसोस्टिग्मिन. फाइसोस्टिग्मिन कैसे काम करता है? सो फाइसोस्टिग्मिन इज ऑल्सो यूज फॉर द ग्लोकोमा, और ये ग्लोकोमा को करता है बाई इंक्रीजिंग द आउटफ्लो. जो आउटफ्लो होता है ना ग्लोकोमा में, उसको इंक्रीज कर देता है. उसके अलावा जो आई का प्यूपिल का फंक्शन होता है वो लाइट और डार्क में उसका रिस्पॉन्स को थोड़ा इनहिबिट कर देता है. तो ग्लोकोमा ऑब्वियसली आप लोग ने फोर्थ ईयर में पढ़ना है, थोड़ा सा आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. मैंने आपको जनरल बात बता दी थी. तो ग्लोकोमा याद, बस ये बात याद रखनी है कि क्लोज एंगल ग्लोकोमा बहुत डेंजरस होता है, उसमें पाइलोकार्पिन बहुत जरूरी होती है एकदम देना और मैनिटोल. टेंसिल, अच्छा ये उन्होंने पूछा था एड्रोफोनियम के टेस्ट का. तो ये टेंसिलोन टेस्ट होता है. तो ये आपको दो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो कि मायस्थीनिया को ट्रीट कर सकती है. तो हम पीछे पड़ चुके हैं नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन. तो ये सिचुएशन आपको दिखा चुका हूं. नेक्स्ट है नेम सिक्स इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक. तो इनडायरेक्टिंग में इतनी आपने पढ़ी है, एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडो, फाइसोस्टिग्मिन, फिर जो अल्जाइमर्स डिजीज की थी रिवास्टिग्मिन, ग्लेंटामीन, वो सारी आ जाएगी, फिर पैराथायोन, मेलाथायोन, ये सारी आ जाएंगी. ये सारी इनडायरेक्ट एक्टिंग है. नेक्स्ट ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट के रिलेटेड है कि ये वाला सब कुछ हुआ है तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को कर रहा है. इंसेक्टिसाइड बड़ा इंपॉर्टेंट इसका ना इंडिकेशन होती है, मतलब इंडिकेट कर रहा था कि ये हुआ हुआ है. व्हाट इज द रैशनल ऑफ यूज ऑफ एट्रोपीन? एट्रोपीन इसके जो मस्कुलिनिक साइड इफेक्ट है ना उसको खत्म करेगा, और पाइरिडोक्साइन क्या करेगा, रीजनरेट करेगा एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को. What are the adverse effect of atropine? ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड है, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट इसी से कवर हो जाएगा. नेक्स्ट है पैराथायोन और मेलाथायोन का डिफरेंस पूछा हुआ है. तो ये इसका डिफरेंस है, जो मेलाथायोन का एक इंपॉर्टेंट बात है ये लेस डेंजरस होता है क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो जाता है. ये आप लोगों ने डिफरेंस याद कर लेना है. ये इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये याद कर लेंगे, 2011 के एनुअल में आया हुआ है. तो ये इसका डिफरेंस है इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ द मस्कुलिनिक एगोनिस्ट यूज इन आई एंड जीआईटी? आई में क्या करती है? दो चीजें होती हैं, एक फार्माकोलॉजिकल एक क्लिनिकल एक्शन. क्लिनिकल एक्शन होता है कि कौन सी डिजीज में यूज होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है किधर जाके लगती है और कैसे उसको सही करती है. आई में फॉर एग्जाम्पल ये M3 रिसेप्टर पे लगेगी जो कि प्रेजेंट है कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली पे और ये प्रेजेंट है सीलियरी मसल पे. ये M3 पे जाके लगेगी तो क्या करवाएगी, कॉन्ट्रेक्शन करवाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी. उसकी वजह से जो है ट्रेबेक्यूलर मेशवर्क है वो ओपन हो जाता है और एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है, और एज अ रिजल्ट जो बंदा होता है उसकी ये सिचुएशन बेहतर हो जाती है, ग्लोकोमा की सिचुएशन बेहतर हो जाती है. GIT प्रॉब्लम में M3 रिसेप्टर पे GIT पे जाके लगती है. M3 रिसेप्टर GQ स्टिमुलेटेड होते हैं, GQ से करके ये उसकी कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज करवाती है, और कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज जब होगी तो ये पैरालिटिक इलियस में यूज हो जाएगी. और अगर क्लिनिकल कंडीशन पूछे, क्लिनिकल एप्लीकेशन, तो क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर पूछते तो आई में थी ग्लोकोमा, ओक्युलर हाइपरटेंशन, ओपन एंगल ग्लोकोमा, GIT में थी पैरालिटिक इलियस. तो वो क्लिनिकल कंडीशन होती है. एंड द लास्ट थिंग, explain why neostigmine is preferred over physostigmine in myasthenia gravis, because neostigmine is a quaternary amine and physostigmine is a tertiary amine, and you know very well that if we have quaternary amine it will have less CNS side effects, so that's why we will prefer neostigmine in myasthenia gravis, because we don't want ke patient mein CNS side effects aaye. So hum neostigmine use karenge because it cannot cross the blood brain barrier, or जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस होगा तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. सो अगेन दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड डेमो लेक्चर.
जो हमारा फार्माकोलॉजी का पेड सेशन होगा, तो ये उसकी अगेन डिटेल्स आपके सामने. आई होप इट विल हेल्प यू. इसमें तो अभी जस्ट आपसे इंटरेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूँ. फर्दर इंशाल्लाह उन लेक्चर में इंटरेक्शन भी होगा, उन लेक्चर्स में आप लोगों से क्वेश्चनिंग भी होगी, उसके आंसर्स भी पूछे जाएंगे और टेस्ट सेशन, वाइवा सेशन सब कुछ इंक्लूडेड है. सो पेमेंट डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. It is going to be started on 12th of April, and I hope it will going to help you in both clinical life and third year. बाद में भी हमेशा काम आएगी. It is जो मेरा pattern है कि आपको FCPS में भी काम आएगा, USMLG में भी आएगा, third year में भी आएगा. आप लोग खुद feel करेंगे. इनको नोट लाजमी करते हैं इन चीज़ों को. और I hope आप लोग को इसकी समझ आ चुकी होगी. So thank you very much for listening.